हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब जो है संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण को समझेंगे और जानेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम सब जो है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण जो है देखे थे, तो ये हमारा जो है वीडियो नंबर सेकेंड होगा। पिछले वीडियो में ये देखे थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, और आज हम सब जो है रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित कर लेंगे। संतुलित, और ये जो है एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है संतुलित करने के लिए। इसमें जो है सबसे पहले आपको जो है पता होगा कि किस प्रकार जो है यौगिक का निर्माण होता है, आयनिक यौगिक हो या फिर ससंयोजी यौगिक हो। तो इसका जो वीडियो है हम अपलोड कर चुके हैं, इसका टोटल बेसिक केमिस्ट्री करके जो है ये टोटल जो है 7 वीडियो है, और मेरे प्लेलिस्ट में जो है ये विजिट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। और वो अगर आप समझ में आ गया होगा वो, तो ही ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद जो है आपको अच्छा से समझ में आएगा, देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो है संतुलित। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण इसको बोलते हैं बैलेंस्ड, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। इसको जो है संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और ये देखते हैं कि क्या होता है। तो लैंग्वेज जैसे आपको जो है दिख रहा होगा, तो ये क्या होता है कि वैसे रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया का जो है उसके संकेतों या पदार्थों का जो है रूप में संक्षिप्त निरूपण करते हैं, तो उसको रासायनिक जो है समीकरण बोलते हैं। और ये जो रासायनिक समीकरण है इसमें क्या होता है कि दो पार्ट होता है, बताए थे पिछले वीडियो में कि एक होता है LHS, एक होता है RHS। जैसे अगर ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो इससे क्या बन जाता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का एक वैलेंसी है और ऑक्सीजन का दो वैलेंसी है, तो दो वैलेंसी यहाँ आएगा। तो ऑक्सीजन का दो वैलेंसी हाइड्रोजन पे जाएगा तो H2, और हाइड्रोजन का एक वैलेंसी ऑक्सीजन पे आएगा तो OH2O बन जाएगा, यानी जल बना। तो यहाँ पर जो एरो का चिन्ह है, तीर चिन्ह है, इससे पहले जो कुछ भी अभिक्रिया में भाग लिया है, तो अभिक्रिया में भाग लिए हुए पदार्थ को क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हुआ, रिएक्टेंट हुआ, और अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बन जाता है उसको जो है प्रतिफल बोलते हैं या उत्पाद बोलते हैं, उसी को प्रोडक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो प्रतिफल है, प्रतिफल या उत्पाद इसको बोलते हैं, तो ये हमारे दाहिने हाथ की ओर है, तो इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, तो RHS हुआ। और ये जो है जो अभिकारक है वो बाएँ हाथ की ओर है, तो इसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड LHS कहा जाता है, इसको RHS बोलेंगे। तो संतुलित रासायनिक ये जो समीकरण है इसमें चेक करना है कि संतुलित है या नहीं है। तो इसमें हम परमाणुओं की संख्या को काउंट करेंगे। इधर देखिए कि हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन इधर दो है, उधर हाइड्रोजन कितना है, तो उधर हाइड्रोजन जो है दो है, तो दोनों ओर हाइड्रोजन जो है बराबर है, तो हाइड्रोजन संतुलित है। ऑक्सीजन इधर जो है दो है, उधर ऑक्सीजन जो है एक ही है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये इसकी संख्या, ऑक्सीजन की जो परमाणु है यहाँ पर वो अलग है, इसमें जो है ऑक्सीजन का दो परमाणु है, इसमें ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है, तो इस कारण से पूरा समीकरण जो है वो संतुलित नहीं है। अब इसको संतुलित करना है, तो इसका लैंग्वेज क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण, कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर मतलब अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक साइड LHS और RHS, दोनों ओर जो है समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो उसी को संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो वो असंतुलित है, समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर नहीं है तो वो असंतुलित कहलाएगा। तो ये जो समीकरण है इसमें तो हाइड्रोजन दोनों ओर जो है, हाइड्रोजन की दो परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन का इधर देखेंगे LHS में, तो इधर दो ऑक्सीजन है और इधर एक ही ऑक्सीजन है, जिस कारण ये पूरा का पूरा जो है समीकरण क्या है, असंतुलित है। अब इसी को संतुलित करना हम सब सीखेंगे। तो सबसे पहले जो संतुलित किया जाएगा, सबसे पहले पहला जो रूल है, ये कोई रूल नहीं है, मतलब वो जल्दी संतुलित होने के लिए हम बता रहे हैं, सबसे पहले अधातु को हम संतुलित करेंगे। अधातु को, अगर समीकरण में कोई अधातु है तो उसको संतुलित किया जाएगा सबसे पहले, धातु भी है अधातु भी है, तो सबसे पहले अधातु को संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है दो है और हाइड्रोजन इधर जो है दो है, तो वो तो संतुलित है। ऑक्सीजन इधर दो है और इधर ऑक्सीजन जो है एक है, तो ये असंतुलित है, अनबैलेंस है। तो पहले ऑक्सीजन को कर लेते हैं संतुलित, ऐसे ऑक्सीजन ही तो है कि असंतुलित है, इधर कितना है दो है और उधर कितना है तो एक है, तो यहाँ पर हम ये नहीं कि इसको दो कर लेंगे, तो ये दो कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमको अणु की संख्या को बढ़ाना है, परमाणु की संख्या को नहीं बढ़ाना। जैसे अगर मान लिए कि कहीं पर जो है बिस्किट खरीदने जाते हैं, तो बिस्किट जो है पैकेट में दिया जाता है,
तो एक पैकेट बिस्किट जब भी खरीदा जाएगा तो उसको पैकेट में एक दो तीन चार पाँच करके, और किसी को अगर बिस्किट लेना हो, मान लीजिए कि एक पैकेट में 10 बिस्किट है, बिस्किट की संख्या 10 है और उसको 15 बिस्किट चाहिए, तो दुकान वाला उसको फाड़ के तो नहीं देगा। तो यहाँ पर जो है उसको अगर ख़रीदना होगा, 15 को ख़रीदना होगा, तो दो पैकेट ले लेगा 10 वाला जिसमें 10 बिस्किट आता हो, और 5 को किसी को दे सकता है और बचा सकता है 15 को, लेकिन दुकान वाला जो है फाड़ के नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या है कि जल, ये है, ये जल देखेंगे, ये जल है। तो जल में टोटल अगर परमाणु हम पूछें, जल जो है इसमें टोटल कितना परमाणु है, तो इसमें जो हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो टोटल 3 परमाणु हो गया। जल में जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के टोटल 3 परमाणु हो गया। अगर हम यहाँ पर इसको 2 से गुणा कर देते हैं, तो अब अगर हम पूछें कि जल का कितना परमाणु है, जल का कितना परमाणु है, तो जल में जो है पहले हाइड्रोजन का कितना था, अभी ये रुक जाए, अभी हाइड्रोजन का कितना परमाणु है जल में, जल में हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, और ऑक्सीजन का कितना है, तो ऑक्सीजन का 1 है, और टोटली जल जो है H2O से मिलकर बना होता है। तो जल कितने परमाणु से बना है, तो जल टोटल 3 परमाणु से बना है। और यहाँ पर जल का जो है कितना अणु है, जल का अगर परमाणु की बात करते हैं, परमाणु जल में जो है परमाणु जो है वो कितना है, 3 है, लेकिन यहाँ पर जल का जो है अणु कितना है, अणु, तो ये जल का अणु जो है 1 है, तो इससे पहले जो है 1 नहीं दिखता, वो 1 ही होता है, तो यहाँ जल का अणु 1 है। फिर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको 3 से गुणा कर देते हैं, अब यहाँ पर बताइए कि जल का जो है परमाणु कितना है, जल में कितना परमाणु है, तो पहले कितना देख रहे थे, पहले जो है हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो 3 है, और यही तीनों को 3 बार गुणा किया गया, तो यहाँ पर जल का कितना परमाणु हो जाएगा, 3 पहले से था और उसको 3 से गुणा कर दिया गया, तो 3 तिहाई 9 हो गया। यानी यहाँ पर अगर बारी से देखा जाए कि हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन भी 3 हो गया, तो 6 और 3 9 हो गया, और ऐसे जल का परमाणु टोटल हो जाएगा 9। लेकिन यहाँ जल का अणु देखेंगे, तो जल का अणु कितना हो गया, 3 हो गया, इसमें जल का 3 अणु है। फिर अगर कहीं लिखते हैं 10H2O लिखते हैं, तो इसमें बताइए कि जल का कितना परमाणु है, तो जल का परमाणु जो है ये टोटल हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों का परमाणु को जोड़ लेंगे तो जल का परमाणु आएगा, तो हाइड्रोजन हो गया 10 दुना 20 और ऑक्सीजन जो है 10 को, तो 30 तो हो गया। उसके बाद अगर पूछेंगे कि हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, तो 10 दुना 20 परमाणु जो है हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का कितना है, तो 10 परमाणु है। तो यहाँ पर जब संतुलित किया जाता है तो अणु की संख्या को बढ़ाते हैं, परमाणु को कुछ नहीं किया जाता, तो इसमें जल का तो 3 परमाणु है, तो इसको इसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, हमेशा जो है अणु को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये नहीं कि ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे तो हो जाएगा, ऐसे नहीं करना, इसके अणु की संख्या को बढ़ा देना। तो यहाँ पर जल का कितना अणु है, 1 है, अब इसको क्या करते हैं हमेशा, अब 3, और पहला तरीका है कि अधातु को संतुलित करेंगे, और जो संतुलित करने वाला जो नंबर होगा वो कम से कम होना चाहिए, यानी कि 5, 6, 7, 12 नंबर नहीं होना चाहिए, एकदम छोटा से शुरुआत करेंगे, तो वही छोटा में होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या बना देना है, हमेशा सम संख्या से ही जो है मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, उसके अणु को बढ़ाना है, तो इससे जो है जल्दी संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसमें 2 था और इसमें भी हमको 2 बना देना है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से जैसे ही गुणा किए तो ऑक्सीजन का तो 2 अणु हो गया, इधर ऑक्सीजन का 2 था, 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया, और इधर हाइड्रोजन कितना था, 2 था, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी 2 से गुणा कर देते हैं। आप देखते हैं हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 2 दूना 4, ऑक्सीजन 2, और इधर से ऑक्सीजन 2, तो ये जो है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। पहले क्या था, असंतुलित था, और अब क्या हो गया, संतुलित हो गया। जैसे लिखते हैं कि कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो कार्बन ऑक्सीजन इससे बन जाता है CO2, और सूत्र का निर्माण कैसे होता है ये हम बताए हुए हैं, तो इसमें जो है डायरेक्ट हम लिखते हैं समीकरण और उसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए कार्बन कितना है, तो कार्बन 1 है, यहाँ पर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो ये ऑलरेडी पहले से ही जो है क्या है, संतुलित है। फिर यदि अगर लिखते हैं H2+ ये लिखा जाए, इधर हाइड्रोजन है और ये सल्फेट है, हाइड्रोजन है सल्फेट है, इससे बनाएंगे तो इससे बनेगा, इसके पास पता होगा 1 वैलेंसी होता है हाइड्रोजन का, और ये 2 इस परमाणु के रूप में इसलिए ये लिखा गया है कि क्योंकि ये मिलता ही है परमाणु के रूप में हाइड्रोजन कहीं भी, तो इसके पास 1 वैलेंसी होता है, इसके पास 2 वैलेंसी होता है, तो 2 वैलेंसी यहाँ आ जाएगा, तो H2SO4, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। फिर और आगे अगर देखते हैं ये लिखा गया है, अब ये वाला अभिक्रिया कैसे होता है, तो इस चैप्टर में मेन रूप से अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है,
तो यहाँ पर जो कुछ भी अभी अभिक्रिया होगा, ये आने वाला जो अभिक्रिया एक एक करके पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसे ये समीकरण को जो है संतुलित किया जाता है। तो नॉर्मली जो है ये अभिक्रिया खुद आपसे लिख आप जो है लिख सकते हैं जब हम पूरा का पूरा ये चैप्टर पढ़ा देंगे उसमें का अभिक्रिया। तो यहाँ पर आयरन है, आयरन क्या कर देगा, जिंक को जो है हटा देगा, जिंक हट जाएगा और ये सल्फेट से जाके अभिक्रिया करेगा। तो आयरन के पास जो है दो वैलेंसी होता है, सल्फेट के पास भी दो, तो ये दो दो से कट जाएगा, तो Fe जो है FeSO4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये संतुलित है पहले से, आयरन जो है एक है। अब यहाँ पर टू इसलिए नहीं लिखे हैं आयरन में क्योंकि ये धातु है, धातु अणु के रूप में जो है नहीं रहता, परमाणु के रूप में रहता है। आयरन एक है, इधर भी एक है, इधर जिंक एक है, उधर जिंक एक है, सल्फर एक और ऑक्सीजन चार चार करके है ये। फिर अगर लिखते हैं कि एल्यूमिनियम है और इधर ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो इसे जो है एल्यूमिनियम का वैलेंसी तीन होता है, ऑक्सीजन का दो, तो ऑक्सीजन का दो यहाँ आ जाएगा, तो Al2 हो जाएगा और O3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन धातु जो है, यहाँ पर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एक दो एक है, इधर इधर दो है, यह असंतुलित है। ऑक्सीजन जो है दो है और इधर तीन है, तो इसमें हम एल्यूमिनियम का संतुलित पहले कर ले या फिर ऑक्सीजन का, तो देखेंगे अधातु कौन है। तो सबसे पहले अधातु जो अधातु को संतुलित करेंगे, उसके बाद अपने आप जो है वो संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर अधातु ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इधर जो है दो है और इधर तीन है, तो ये जो तीन है ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो हमेशा संतुलित में जो है विषम को सम बना देना है। तो तीन को अगर सम बनाना है तो इन्हें जोड़ते तो नहीं है, इसमें गुणा करते हैं। तो तीन को अगर सम बनाना है तो उसको गुणा करेंगे कितना से कि सम बन जाए। तो तीन तीन को अगर एक से गुना तो करना ही नहीं, एक से गुना करेंगे भी तो तीन ही रह जाएगा। तीन को दो से गुना करेंगे तब छः होगा, फिर तीन को तीन से गुना करते हैं तो नौ, और तीन को चार से गुना करते हैं तो बारह। तो यहाँ पर सम संख्या जो है पहली बार जो है दो से गुना किए हैं तो छः आया है। तो करना क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अधातु है और अधातु को जो है पहले संतुलित करेंगे। संतुलित कैसे होगा अधातु, तो यहाँ तीन है और तीन विषम संख्या है, तो विषम है तो सम बनाएंगे। तो सम बनाने के लिए इसको दो से गुना करना पड़ा, तो यहाँ पर दो से गुना कर दिए। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन तीन दूना छः हो गया। पहले जो है पहले कितना था, तीन वो था, आप दो से और गुना कर दिए, यानी पहले तीन वो था। तो तीन केजी वाला कोई भी चीज़ डबल अगर ले लेंगे, जैसे तीन केजी का अगर मान लिए कि कोई सरफ है या फिर कोई बोतल है तीन केजी का, अब वो डबल ले लिए, दो गो ले लिए, तो तीन दूना छः केजी हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया छः, इधर ऑक्सीजन कितना है दो ही है, तो अब इसको छः पुराना है तो तीन से गुना करना पड़ेगा। तो इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, तीन दूना छः, उधर भी ऑक्सीजन छः। उसके बाद इधर एल्युमिनियम कितना हो गया, दो गो पहले से था, अब फिर दो गुना कर दिए, तो दो दूना चार, चार को हो गया, तो इधर भी चार से गुना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन के पास एक वैलेंसी होता है, क्लोरीन के पास भी एक, तो इससे हो जाएगा HCl। अब यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोजन दो है, उधर एक है, इधर क्लोरीन दो है, उधर भी एक है, तो बस आराम से सिर्फ जो है इसको दो से गुना कर देना है। तो हाइड्रोजन भी दो हो गया, क्लोरीन भी दो हो गया, तो ये हुआ। उसके बाद जो है मैग्नीशियम है, ये कॉपर सल्फेट है, तो ये अभिक्रिया करेगा तो ये कॉपर बेचारा भाग जाएगा। और ये कैसे भागेगा, तो ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया होता है, तो ये आगे पढ़ाएंगे। तो कॉपर हट जाएगा, तो यहाँ पर मैग्नीशियम अभिक्रिया कर लेगा सल्फेट के साथ। तो मैग्नीशियम का दो वैलेंसी होता है, सल्फेट का भी दो होता है, दो दो से कट जाएगा, तो MgSO4 हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस में कॉपर। तो यहाँ मैग्नीशियम एक है, उधर भी एक है, कॉपर एक है, कॉपर एक है, सल्फर एक है, सल्फर इधर भी एक है, और ऑक्सीजन जो है चार है, तो उधर भी चार है, तो ये संतुलित है। तो कुछ जो है पहले से संतुलित रहता है, कुछ जो है को संतुलित करना पड़ता है। अब ये है पोटेशियम है, इसकी अभिक्रिया अगर कराते हैं फॉस्फेट के साथ, तो यहाँ पर पोटेशियम फॉस्फेट बनता है, तो इसके पास एक वैलेंसी, इसके पास तीन है, तो यहाँ बन जाएगा K3PO4। और ये जो सूत्र वगैरह लिखते हैं, तो जितना बड़ा लिखे हैं K उतना ही बड़ा P उतना ही बड़ा O, क्योंकि ये सब के सब जो है तत्व है, और तत्व जो है अपने जो है रुतबा में होता है, और इसलिए सबका साइज सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर अब ये देखेंगे पोटेशियम जो है यहाँ पर एक है और इधर पोटेशियम जो है तीन है, यह संतुलित है। यहाँ पर जो है फास्फोरस एक है, यहाँ पर एक है, ऑक्सीजन यहाँ चार है, वहाँ भी चार है, तो वो तो ठीक है। तो यहाँ पर ये तीन है, तो बस इसको सिर्फ इसको तीन से गुना कर लेंगे तो ये संतुलित हो जाएगा, तो ये संतुलित हो गया। फिर आगे लेते हैं, तो पहले हम ये छोटा छोटा करके जो है ये पहले सिखा रहे हैं कि आखिर संतुलित किया कैसे जाता है, फिर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है तो पहले छोटा छोटा को सीख लेंगे, तो उसके बाद जो है धीरे धीरे प्रैक्टिस बन जाएगा, तो अपने खुद ब खुद आसान हो जाएगा। और ऐसे भी जब अभिक्रिया बताया जाएगा तो वहाँ पर प्रत्येक अभिक्रिया को जो है आप ही को संतुलित करना पड़ेगा, हम सिर्फ हिंट्स दे देंगे और आप संतुलित कर सकते हैं। तो अभी हम सिखा रहे हैं,
उसके बाद अगर लेते हैं उदाहरण ये लिए, सोडियम है और इधर जो है एल्युमिनियम कार्बोनेट है। पता होगा कि एल्युमिनियम जो है इसका वैलेंसी 3 होता है, कार्बोनेट का जो है 2, तो 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ चला गया। अब इससे क्या बनेगा, तो सोडियम जो है एल्युमिनियम को हटा देगा, हट जाएगा, तो ये बेचारा एल्युमिनियम चला आया इधर। अब सोडियम अभिक्रिया करेगा कार्बोनेट के साथ, तो सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, कार्बोनेट का वैलेंसी जो है 2 होता है, तो ये 2 आ जाएगा सोडियम पर, तो Na2 और CO3 आ गया। अब इसको संतुलित करना है, देख सोडियम इधर 1 है, इधर सोडियम 2 है, एल्युमिनियम 2 है, उधर एल्युमिनियम जो 1 है, इधर देखेंगे कार्बन, तो 3 को कार्बन है, 3 कार्बन है, ऑक्सीजन 3 तिहाई 9 गो है, कार्बन 3 है, 3 तिहाई 9 गो जो है ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर कितना लोग है, सोडियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, कार्बन हुआ, ऑक्सीजन, 4 लोग हैं। अब चारों लोग में जैसे देखेंगे कि अधातु कौन सा है, तो अधातु यहाँ पर सोडियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है, और कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों जो है अधातु है, तो अधातु को संतुलित करते हैं। अब इधर कार्बन देखेंगे 3 है और इधर जो है कार्बन 1 है, तो कार्बन को संतुलित कर देते हैं, तो इधर 3 था, इधर 1 ही है, तो इसको हम 3 से गुणा कर देते हैं। तो इसको अगर 3 से गुणा करेंगे तो कार्बन क्या होगा कि इधर भी 3 हो जाएगा और इधर 3 है ही पहले से। 3 से जब गुणा किए तो ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया, और इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया। तो यहाँ पर अभी तक कार्बन और ऑक्सीजन संतुलित है। फिर देखेंगे सोडियम कितना है, तो सोडियम इधर 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6, और इधर सोडियम 1 ही है, तो बस 6 से गुणा कर देते हैं। एल्युमिनियम इधर कितना है, 2 है, और इधर एल्युमिनियम कितना है, तो 1 ही है, तो 2 से गुणा कर देते हैं। ये एल्युमिनियम को ये नहीं कि ऐसे लिख देंगे, ऐसे कभी नहीं लिखा, भूलो से ऐसे नहीं काम कर रहा, ये धातु है और धातु अणु के रूप में कभी नहीं रहता है, परमाणु के रूप में रहता है, उसकी संख्या को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा जो है सोडियम 6 हो गया, इधर 3 दूना 6 सोडियम हो गया, एल्युमिनियम 2 है, इधर एल्युमिनियम 2 है, इधर जो है कार्बन 3 है, इधर कार्बन जो है 3 से गुणा किया है, तो 3 हो गया, ऑक्सीजन 3 तिहाई 9 हो गया, और इधर ऑक्सीजन 3 तिहाई 9 हो गया, तो ये संतुलित रहा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इधर कैल्शियम ऑक्साइड, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। पता होगा कि दोनों का वैलेंसी 1, 2, 2 होता है, इसलिए यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। पोटेशियम का वैलेंसी 2 है और ये सल्फेट का वैलेंसी, पोटेशियम का वैलेंसी 1 है और सल्फेट का वैलेंसी जो है 2 है, तो 2 यहाँ दिख रहा। अब ये जो अभिक्रिया करेगा तो अदला बदली हो जाएगा, तो इसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो कैल्शियम अभिक्रिया कर लेगा सल्फेट के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, तो दोनों का वैलेंसी जो है 2, 2 होता है, तो CaSO4 हो गया। और पोटेशियम अभिक्रिया कर लेगा ऑक्सीजन के साथ, तो पोटेशियम का वैलेंसी जो है कितना होता है, 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, तो ऑक्सीजन वाला वैलेंसी पोटेशियम पे आएगा, तो K2 और ये O हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये संतुलित है या नहीं, तो यहाँ पर कैल्शियम 1 है, उधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, उधर भी जो है इधर नहीं, ऑक्सीजन इधर देखेंगे 1 यहाँ, 4 यहाँ, 5 है, और इधर भी 4 और 1 5 है। उसके बाद पोटेशियम जो है 2 है, इधर भी पोटेशियम 2 है, सल्फर इधर जो है 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, तो ये संतुलित है पहले से। अब यहाँ इसको देखते हैं, ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेरियम क्लोराइड है, तो सोडियम जो है अभिक्रिया कर लेगा क्लोरीन के साथ और बेरियम कर लेगा अभिक्रिया हाइड्रोक्साइड के साथ। तो बेरियम का वैलेंसी यहाँ पर दिख रहा है कि क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है और ये जो है यहाँ पर बेरियम क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, तो ये 1 तो यहाँ दिखता नहीं है, लेकिन बेरियम का वैलेंसी 2 है जो यहाँ दिख रहा है, तो इससे पता चल जाता है, सूत्र से ही पता चल जाएगा किसका वैलेंसी कितना है। तो यहाँ पर सोडियम अभिक्रिया करेगा क्लोरीन के साथ, तो सोडियम क्लोराइड बन गया, दोनों का वैलेंसी 1 है, और इधर बेरियम जो है इसके पास 2 वैलेंसी है और हाइड्रोक्साइड का 1 ही वैलेंसी होता है, तो BaOH हॉल ट्वाइस ये हो गया। अब इसको संतुलित करना है, तो सोडियम इधर 1 है, सोडियम 1 है, दोनों मस्त है, ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन इधर
एक है और इधर ऑक्सीजन दो हो गया, तो ये है अनबैलेंस। हाइड्रोजन इधर एक है, उधर हाइड्रोजन जो है दो हो गया। बेरियम इधर जो है एक है, इधर बेरियम एक है। क्लोरीन इधर दो है और इधर जो है क्लोरीन जो है एक है। तो यहाँ पर संतुलित जो है सोडियम है और बेरियम है, उसके बाद जो है क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये तीनों के तीनों जो है ये असंतुलित है। तो सबसे पहले जो है संतुलित किसको करेंगे? अधातु। अधातु कौन है? तो अधातु ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है। तो इसमें से जो है संतुलित कर देते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जो है इधर कितना है? तो इधर हाइड्रोजन एक है, उधर कितना है? तो उधर जो है दो है, तो इसको हम दो कर देते हैं, तो दो हाइड्रोजन हो गया। उधर दो, उधर भी जो है दो हाइड्रोजन है। यहाँ पर अब ऑक्सीजन देखते हैं, तो ऑक्सीजन भी दो हो गया। इधर ऑक्सीजन दो है ही पहले से। उसके बाद सोडियम कितना है? सोडियम इधर दो है और इधर सोडियम कितना है? तो इधर एक ही है। तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया, तो ये जो है गड़बड़ हो गया। और क्लोरीन जो है इधर दो है, इधर क्लोरीन जो है एक है। तो इसको बस दो से गुना कर देंगे तो क्लोरीन दो हो जाएगा। अब अगर देखेंगे टोटली, तो सोडियम इधर दो हो गया और इधर भी सोडियम दो हो गया। ऑक्सीजन इधर जो है दो हो गया और इधर भी ऑक्सीजन जो है दो है। फिर जो है हाइड्रोजन इधर दो है और इधर भी हाइड्रोजन दो है। उसके बाद बेरियम जो है इधर एक है, इधर बेरियम एक है। और क्लोरीन इधर दो है, क्लोरीन इधर दो हो गया। तो इस तरीके से जो है संतुलित करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सब जो है समझ में आ गया होगा। और इसके लिए होमवर्क के लिए जो है आपको मिल जाएगा टोटल जो है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अगर ये संतुलित आप जो है कर सकते हैं उसको संतुलित कर सकते हैं। और ऐसे जो कुछ भी उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है लिस्ट में जो है लिखा गया, तो ये सारे के सारे जो है अभी किसी न किसी अभिक्रिया का उदाहरण ही है। तो वो जब होगा तो उसमें हम करा देंगे। तो आप जो है घर पे जाके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और फिर से बता रहे हैं कि मेन जरूरी है तत्व का नाम याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन और बनाना सीखना, और उसके बाद जो है उससे वैलेंसी, धातु अधातु, तत्व का नाम जो है कौन धातु अधातु है, उसके बाद वैलेंसी और कंपाउंड कैसे तैयार किया जाता है, इतना इतना अगर आपको अगर आता होगा तो केमिस्ट्री जो है हलवा हो जाएगा। तो चलिए आज के बस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन।